पेट्रोलियम और गैस की कीमतों में हालिया इजाफा तालिब इल्मों के लिए भी परेशानी का सबब बन गया और निजी तालीमी इदारों ने ट्रांसपोर्ट फीसें भी बढ़ा दी। आसमान से बातें करते महंगाई ने वालदैन के लिए अपने बच्चों को ज़ेर तालीम से आरास्ता करना भी कठिन बना दिया। दिल दुखाने वाली बात है कि एक वालदैन इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि वो अपने बच्चों को कहते हैं कि स्कूल पढ़ना अच्छी बात नहीं है। पेशावर में इस वक्त 10,500 से ज्यादा प्राइवेट तालीमी इदारे बच्चों को तालीम दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मुताबिक उन्होंने फीसों में मामूली इजाफा किया है, तहम वो लोग भी हालात की वजह से मजबूर हैं। 930 से 1000 किया था और अभी हमने 100 रुपीज़ बढ़ाया और ये अप्रॉक्सीमेटली आप देखें तो ये पर चाइल्ड जो है 5 रुपीज़ भी नहीं जाता। ट्रांसपोर्ट फीसों में इजाफे की वजह से कई तालिब इल्मों ने साइकिल का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, जबकि वालदैन ने अपनी सहूलियत के लिए बच्चों को रिक्शों में भेजना शुरू कर दिया है। स्कूल ट्रांसपोर्ट की फीसों में इजाफे के बाद स्कूलों से वालदैन अपने बच्चों को खुद लाने और ले जाने पर मजबूर हो गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद शकील के साथ मुसरतुल्ला, दुनिया न्यूज़, पेशावर।